हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रॉयल सेवरी। आज हम बनाएंगे जबरदस्त मजेदार किस्म की बेकरी स्टाइल मसाला बन। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 300 ग्राम मैदा, 1 कप नीम गरम पानी, 1.5 टेबलस्पून ईस्ट, 1 टेबलस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून ऑयल, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 1 छोटी साइज की प्याज, थोड़ा सा मुट्ठी भर हरा धनिया और 2 हरी मिर्च। सबसे पहले हम नीम गरम पानी लेंगे, उसमें ऐड करेंगे चीनी, फिर ईस्ट और इसे स्पून की हेल्प से मिक्स करेंगे। ढककर इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है हमारा ईस्ट, ये मिक्सचर तैयार है। अब हम लेंगे एक बड़ा बाउल, उसमें शिफ्ट करेंगे हमारा मैदा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक, ऑयल, ये ईस्ट वाला मिक्सचर और 1 स्पून की हेल्प से इसे मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, मैं इसे थोड़ा सा स्पून की हेल्प से मिक्स कर लूँगी। अब इस स्टेज पे मैं इसे हाथ से मसलना स्टार्ट करूँगी। देखिए ये अच्छे से हाथ से नीड हो चुका है। अब हम डेस्कटॉप पे थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे और हाथों पे भी थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे, फिर हम इसे डेस्कटॉप पे निकाल लेंगे और इसे अच्छे से नीड करेंगे। इसे हमें 10 से 15 मिनट अच्छे से कंटिन्यूसली नीड करना है, तभी हमारा बन अच्छे से बनेगा, सॉफ्ट सा। कोई भी बन बनानी है हमें डो अच्छे से नीड करना है, तभी इसका ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट होगा और हमारी बन अच्छे से सॉफ्ट से बनकर तैयार होगी। देखिए मैं किस तरह से इसे स्ट्रेच कर रही हूँ और फोल्ड कर रही हूँ। इसी तरह हम अच्छे से इसे मसल मसल के देखिए अच्छा सा चिकना सा बनाकर तैयार कर लेंगे। जब ये डेस्कटॉप पे चिपकना बंद हो जाए तो इसका सिग्नल है कि ये तैयार है। अभी हम इसे बॉल में शिफ्ट करेंगे, इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे और इसे 1 से 1.5 घंटा रेस्ट होने देंगे, ठीक है। तो चलिए जब तक ये रेस्ट होता है हम दूसरी तैयारी करते हैं। अब हम लेंगे एक चॉपर, हमारे सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे, इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे, ज़्यादा पेस्ट नहीं बनानी है, सिर्फ चॉप करना है। फिर हम लेंगे 2 चम्मच ऑयल और इन चॉप किए हुए मसालों को ऑयल में डाल लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है, अच्छे से मॉइस्ट बनकर तैयार हो गया है ये मसाला। इसे तैयार करते करते 1 आवर हो गया है। देखिए आफ्टर 1 आवर ये अच्छे से हमारा डो राइज हो गया है। अब हम डेस्कटॉप पे थोड़ा सा ड्राई फ्लावर डस्ट करेंगे और एक थोड़ा सा छोटा पेड़ा लेंगे और उसे रोल कर लेंगे, देखिए इस तरह। अब हम हमारा 1 टेबलस्पून मसाला लेंगे जो ऑयल में मिक्स किया हुआ था, इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे, नाइफ की हेल्प से कट लगाएंगे उस पर और इसे रोल कर लेंगे, देखिए इस तरह। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें इसे रोल करना है, देखिए बड़ा इजी है ये। फिर हम इसे ऊपर से प्रेस करेंगे, देखिए ये कितना सुंदर सा बनकर हमारा तैयार हो गया है बन वाला मिक्सचर। देखिए इसी तरह मैंने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अभी हम इसके ऊपर थोड़े से सेसमी सीड्स स्प्रिंकल करेंगे, ये ऑप्शनल है। हम बेकरी स्टाइल बना रहे हैं तो मैं इस पे स्प्रिंकल करूंगी, अगर आपके पास है तो आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे लिड से कवर करके 10-15 मिनट्स फिर से राइज होने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट्स हो चुके हैं, चलिए अब हम इसे एक पैन लेंगे, अच्छे से इसे मैंने प्री हीट कर दिया है, एक प्लेट रखेंगे पलटकर और उसके ऊपर हमारा ये ट्रे, बेकिंग ट्रे हमने जिसमें बंस रखे हैं
वो बेक होने के लिए रख देंगे और इसे लिड से कवर करके लो फ्लेम पे हम इसे 25 टू 30 मिनट्स बेक करेंगे। देखिए इसे बेक होते हुए सिर्फ 10 मिनट्स हुए हैं और ये डबल हो गया है राइस होके। देखिए कितना अच्छा राइस हुआ है, ये बहुत खूबसूरत लगता है जब कोई भी बन बेक होता है और राइस होता है। देखिए 25 मिनट्स हो चुके हैं, कितना अच्छा सुंदर सा इसके ऊपर कलर आया है, ब्राउन कलर, गोल्डन ब्राउन, सुनहरा कलर। देखिए नीचे कितना खूबसूरत सा लग रहा है वो कलर। अभी हम स्टेज पे स्टोव ऑफ करेंगे और इसे निकाल लेंगे और इसे सर्विंग डिश में निकाल के हम इसे सर्व करेंगे। देखिए मैंने इसे सर्विंग डिश में निकाल लिया है, मैंने बेकिंग ट्रे ही रख लिया है सर्विंग डिश पे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है बन। अभी हम इस पे थोड़ा सा मेल्टेड बटर ब्रश करेंगे, इससे हमारी बन और भी ज्यादा मॉइस्ट हो जाएगी और इसका टेस्ट और ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इस समय मुझे लग रहा है कि मैं किसी बेकरी में खड़ी हूँ क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा खुशबू है, हमारी घर में महक रही है इस बन की, और इसके फ्लेवर्स माशाल्लाह इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं धनिया, लहसुन, प्याज, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है इसको देखकर। देखिए कितनी मॉइस्ट, कितनी सॉफ्ट, कितनी फ्लेवरफुल हमारी बन बनकर तैयार है। बड़ी आसान तरीके से देखिए कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। देखिए इसे देखकर ही बहुत ज्यादा मुंह में पानी आ रहा है। देखिए इसे टर्न करके भी कितना अच्छा इसका कलर आया है, मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए सॉफ्ट है, एकदम मुंह में जाते ही सॉफ्ट सा इसका टेक्सचर, मसालेदार इसका मसाला, बहुत ही मजा आएगा इसको खा के। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय रेसिपी प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड या डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।